नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीतू गुप्ता, बालाजी गारमेंट्स मेरी फर्म है, पक्के की फर्म मेरी बालाजी गारमेंट्स है। दोस्तों 10-12 साल से मैं गारमेंट की लाइन में हूँ। सबसे पहले मैंने रिटेल करता था और उसके बाद जैसे जैसे रिटेल का काम करता गया, काफ़ी बड़े स्केल पर रिटेल का काम किया, पैसा भी ठीक ठाक कमाया। फिर उसके बाद शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, 5-7 साल शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में भी खूब काम किया, पर फिर बड़े सेटबैक भी आए, बहुत सारा पैसा भी डूब गया, पहले उधार का भी काम करते थे जी। तो अब उसके बाद जैसे जैसे उठने लगे, उसके बाद तुरंत ये कोरोना, पिछले साल कोरोना आ गया था और ये देखा होगा आपने, फिर इस साल फिर मार पड़ गई। ये बड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि क्या होता है जब आप बड़ा काम करते हो तो खर्चे आपके बराबर चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में पैसा पड़ा हो और आपका कोई खर्चा नहीं है, दुकानों के किराए भी देने हैं, स्टाफ की सैलरी भी देनी है, जो आपने बैंकों से लोन ले रखा है बड़ा काम करने के लिए उसका ब्याज भी जाना है, किस्तें भी जानी है। तो ऐसा लगने लग जाता आदमी को कि यार मैं टूटना चालू हो गया। बिल्कुल, ये तो शुक्र मानो परमात्मा का कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए घर बना दिया था, तो उस घर में हम पैदा हो गए, कोई बाय बर्थ हमने कोई अच्छे कर्म करे थे तो आज हमें मकान किराए पर नहीं लेना पड़ा। बिल्कुल सही बात, पर दुकान नहीं थी तो दुकान किराए पर लेनी पड़ी, दुकानों काम किया। और पिछले साल ये हाल हो गया था, लॉकडाउन के बाद जैसे ख़त्म हुआ जून के अंदर, मैं ये हो गया था यार ये मेरे को मकान भी तो नहीं बेचना पड़ेगा, क्योंकि भाई कैसे करूंगा, ये कर्जा कैसे उतारूंगा, माल बिक नहीं रहे हैं, बाजार से पेमेंटें आ नहीं रही हैं, शर्ट की हालत ये हो गई थी, जो 350 रुपये की कॉस्टिंग की शर्ट थी वो 200 रुपये में नहीं बिक रही थी। फिर एक भैया है मेरे, उन्होंने मुझे काम सुझाया कि भाई हिम्मत नहीं यार नहीं, क्योंकि ऐसे में पैसा जरूरी नहीं होता, किसी का साथ बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल वही, हिम्मत और साथ जरूरी होता है। और कभी भी मैंने ये चीज देख ली कि कभी भी लाइफ खत्म नहीं होती, आप जहां से भी शुरू करना चाहो लाइफ आपकी वहां से स्टार्ट हो जाती है। बस जरूरी है अच्छे लोगों में बैठो, सबसे पहले तो आप अपना वो सर्कल बिल्कुल हटा दो जो आपको नेगेटिव थॉट देते हो। बिल्कुल, जो भी आपसे नेगेटिव बात करे भाई उससे बिल्कुल साथ मत दो, क्योंकि हाथ जोड़ लो, सीधा सीधा हाथ जोड़ लो, क्योंकि उस वो आपकी जिंदगी के अंदर ना कुछ नहीं करके जाएगा, आपकी जिंदगी तबाह करके चला जाएगा। टी शर्ट का काम करा, पहली एक पेटी मंगाई, मेहनत करके बेची, धीरे धीरे कर मुझे आदत वैसे भी है बड़ा काम करने की, परमात्मा की कृपा है कि अपने आप बड़ा हो जाता है। खूब बड़े बड़े लॉट उठाने शुरू कर दिए, कस्टमरों को बढ़िया माल देना चालू कर दिया। मेरे पास आज भी ये है कि कोई कस्टमर मेरे से वापसी लेकर आता तो मैं उसको पैसे भी वापसी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मेरे से माल ले जाने के बाद तेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने को फ़र्क नहीं पड़ता कि तू 10,000 का माल ले आया, क्योंकि मैंने तुझसे 10,000 रुपये में सिर्फ कमाए 800 रुपये में। बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं कि मैंने 10,000 में 10,000 कमाए, मैं चोर हूँ, मैं माल लेते हुए डरता हूँ। 10,000 का माल दिया और 10,000 वापसी भी अगले को दे दिए। पर भाई आप परेशान मत होना, और जो भाई बिल्कुल खाली बैठे हैं कोरोना के चक्कर में, मुझे पता है क्योंकि जैसी मेरी हालत थी भाई, आप ये मानकर चलना, अब कड़वी से कड़वी कहावत तो क्या है, रात रात सोता नहीं था मैं टेंशन में कि यार मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा, पर मेरे को अपने परमात्मा में पूरा भरोसा था, पूरा मैंने अपने आप को कभी भी नेगेटिव नहीं होने दिया। द सीक्रेट मूवी है 1 घंटे 31 मिनट की यूट्यूब पे, द सीक्रेट। बुक्स तो हम पढ़ते नहीं, बुक्स तो पढ़ने की हमें आदत नहीं है, जो बड़े लोग बुक्स पढ़ते हैं वो आज देखो सारे 100-200 करोड़ के आदमी हैं। बुक्स नहीं पढ़ते तो भाई 1 घंटे 31 मिनट की मूवी है द सीक्रेट, वो कम से कम एक हफ्ते में 2 बार सुनना, लगातार 10 बार सुनना, आप देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी जैसे मेरी हुई है। तो भाई कुछ भी मत करना, छोटा सा भी काम करना हो, पहली बात तो बिल्कुल शर्माना मत कि यार कि मैं मेरा स्टैंडर्ड क्या कहेगा कि भाई मैं तो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं क्या काम करूँगा। भाई बिल्कुल छोटे से छोटा काम भी आपको करना पड़े तो आप करना, क्योंकि जो भी बड़ा काम होता है वो छोटे से शुरू होता है। अगर हमें 1,000 किलोमीटर अगर यहाँ दिल्ली से लद्दाख जाना है तो भाई हमें पहले तो करनाल जाना ही पड़ेगा और उसी रोड पर चलना पड़ेगा, गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। तो आप ये मान लेना कि आपने कितना भी बड़ा काम करना हो, और भाई ज़्यादा पूंजी मत लगाना। एक तो आप वैसे ही परेशान हो पैसों से, और दूसरा आप घर वालों की कोई ज़मीन बेच दोगे, कोई गहने बेच दोगे और फिर काम में लगा लोगे तो वैसे भी सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि सर पे प्रेशर लगा रहेगा। इसलिए छोटा काम करो, छोटे काम करने का मतलब है चाहे खाने पीने का छोटा काम करना हो, चाहे छोटी सी पटरी लगानी हो, कहीं पर बेइज्जती नहीं होती, कोई खाने को नहीं देता, कोई रिश्तेदार, आप कहते हो ना यार कि ये रिश्तेदार मेरे क्या कहेंगे, आप किसी रिश्तेदार को बोलकर देखो भाई 2 लाख रुपये दे दो, सारे कल से फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। आप 2 लाख रुपये मांग कर देख लो किसी भी रिश्तेदार से, जो आपके चाचा मामा फूफा वो सारे हाथ खड़ा कर देंगे, आपसे कन्नी काट लेंगे। भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी आपके परिवार की आपके ऊपर है, आपकी पत्नी आपके बच्चे वो आपकी जिम्मेदारी है, उनको निभाने के लिए वो सर आप पे डिपेंड है। तो भाई चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा करो, मरना कोई हल नहीं होता लाइफ में। आदमी सोचे कि यार हम सब सुसाइड कर लें, सुसाइड कोई हल नहीं होता। आप सिर्फ पहला कदम बढ़ाओ, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो छोटा सा काम घर से टी शर्ट का कर सकते हो। टी शर्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 9 महीने साल में लोग टी शर्ट डालते हैं और 3 महीने वूलन डालते हैं, 12 महीने का सीजन है, आराम से 1-1.5 लाख रुपए में बहुत बढ़िया काम चालू हो जाता है। और हर
कस्टमर आपके आसपास ही है पूरे गली मोहल्ले के अंदर, बढ़िया रेटों में। मैं लोट का काम करता हूँ, अपने घर से कर रहा हूँ, तो सोचो घर कहाँ, तो टैंक रोड और कहाँ गांधीनगर, मेन मार्केट में ना बैठ के बिल्कुल सुनसान जगह पे शादरा जैसे एरिया में बैठा हूँ जहाँ पर गारमेंट की कोई मंडी नहीं है, उसके बावजूद मेरे पास कस्टमर आता है और माल लेता है। आपका आशीर्वाद इतना है भाई, आज हमें फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, लोग पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास कस्टमर आते हैं। और छोटा सा मैंने एक रिटेल का काउंटर भी बनाया हुआ है सैंपल के लिए, आप चाहो तो मेरी एक छोटी सी वीडियो देख सकते हो सैंपल सेट की, कि टी शर्ट मैंने कैसे हैंग करी हुई है और कैसे मैं सुबह से शाम तक 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये की सेल करता हूँ। ऐसे छोटे 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 मैंने काउंटर और भी अपने बनाए हुए छोटे भाइयों के, जो बिल्कुल परेशान है, काम है नहीं जिनके पास, किसी का बड़ा काम था किसी का छोटा काम था। वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे खालिद भाई हैं और मैं इनको पिछले 8-10 सालों से जानता हूँ। गांधीनगर के अंदर ये जींस बनाते हैं बच्चों की, जमजम जींस के नाम से बनाते थे खालिद भाई, जमजम जींस। और जींस के अंदर इतना बड़ा काम था कि गांधीनगर के अंदर गद्दियाँ होती हैं, सारी गद्दियाँ इनके लिए यूं करती, खालिद भाई माल दे दो माल दे दो। एक दिन मेरे पास आए, बहुत परेशान थे कि यार जीतू भाई जींस का काम ठप हो गया। मैंने कहा ठप कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम टी शर्ट लेकर जाओ, जो तुमसे बिकती हैं तुम बेचो, नहीं बिकती मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो खालिद भाई बताओ अपने बारे में थोड़ा सा। बस सब कुछ बड़ा काम था जींस का, बंद से ही हो गया था कि एक दिन भैया से अचानक, जानते तो पहले से ही थे, फिर अचानक ही इनका कॉल गया क्या कर रहे हो, कि कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ कारोबार पहले जो थे वो फ्लॉप हो गए थे। वो अचानक भैया ने सजेशन दिया कि देखो मैंने ये सब कुछ कर लिया है, कुछ भी नहीं था पहले, और आप भी देखिएगा सब कुछ कितनी जल्दी तरक्की कर ली महीने दो महीने में। तो जैसे जैसे भैया कहते चले गए ऐसे ऐसे करते चले गए, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ देखिएगा, मेरा सेटअप जाके दुकान जाके सब इन्होंने करवाया, जितना भी ए टू जेड 200 रुपये का पीस, 400 रुपये का, 500 रुपये जितना भी है सब इन्हीं के यहाँ से जाता है सारा माल, पूरी दुकान इन्हीं के माल से भरी हुई है। और यहाँ तक बोल दिया था कि जितना तुम्हें चाहिए इतना माल ले जाइए, सब पूरा सेटअप सारा काम जो है सब इन्हीं भैया ने सेट कराया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों मेरा ये मकसद है, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मेरी टी शर्ट बिके, आप कोई भी छोटा काम करना चाहते तो करें, पर बाकी साफ़ सुथरा काम है, आसान काम है, कस्टमर आपके पास में है। और ये खालिद भाई मैं इनकी भी दूंगा, मैं इनकी भी छोटी सी एक शॉप की वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरे भाई मोटिवेट हों कि कैसे छोटी सी घर से काम करा जा सकता है। और आज परमात्मा की कृपा से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, डेली की 8 से 10 से 12 15 हज़ार रुपये की सेल कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ भाई, तुम्हारा भाई जीतू भाई तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, जो भी आए 1-1.5 लाख रुपये के अंदर घर के अंदर दुकान चालू हो जाएगी, चाहे कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे बिल्कुल किसी ने पढ़ाई नहीं की हो, पढ़ाई मैटर नहीं करती इस काम के अंदर, हमें तो पैसा कमाना है भाई, अपने बच्चे पालने हैं। परमात्मा ने जो लाइबिलिटी हमारे ऊपर रखी हुई है, हमारे बच्चे और हमारी बीवी, सबसे पहले हमें उसका पेट भरना है। समाज के अंदर हमें इज्जत बाद में बनानी है, रिश्तेदारों के अंदर हमें इज्जत बाद में बनानी है, सबसे पहले अपनी पत्नी की नज़रों में इज्जत बनाओ, सबसे बच्चों की नज़रों में इज्जत बनाओ, और वो जब बनेगी जब आपके पास एक कमाई का साधन होगा। दोस्तों इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ।